बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी और अहम जानकारी के साथ करते हैं। पंचकुला से बड़ी खबर आपको बता दें, दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज पंचकुला के दौरे पर हैं और पंचकमल कार्यालय यानी बीजेपी के कार्यालय का शुभारंभ करेंगे और मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े और सांसद भी इस दौरान मौके पर मौजूद रहेंगे। दोपहर 3 बजे बीजेपी कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ओपी धनखड़ ने तैयारियों का भी जायजा लिया है। तो बड़ी जानकारी पंचकुला जिले से सामने आ रही है। कार्यालय का शुभारंभ आज किया जाएगा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यालय का शुभारंभ उनकी ओर से किया जाएगा। प्रदेश कार्यालय पंचकमल का शुभारंभ आज किया जाना है। पंचकुला के दौरे पर हैं आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी प्रदेश कार्यालय जिसे पंचकमल नाम दिया गया है उसका शुभारंभ आज रक्षा मंत्री की ओर से किया जाना है। तो वहीं ओपी धनखड़ ने तैयारियों का जायजा लिया है कार्यक्रम की। हमारे इस पंचकुला के कार्यालय का लोकार्पण समारोह है। भारत के रक्षा मंत्री आदरणीय ठाकुर राजनाथ सिंह जी इस का लोकार्पण करेंगे। उस समय मुख्यमंत्री जी, पार्टी के प्रभारी विनोद तावड़े जी और पार्टी के जो सरकार में मंत्री गण हैं वो उसके साथ साथ पार्टी के बड़े पदाधिकारी ये सब उस मौके पर उपस्थित रहेंगे। कल हमने अपने कार्यकर्ताओं को यहाँ दिन में 1:30 बजे आमंत्रित किया है। सबका भोजन भी यहाँ पर है और भोजन के बाद ये लोकार्पण समारोह है। कल हमारे इस पंचकुला के तो सुना आपने ओपी धनखड़ को, तैयारियों का उन्होंने बीते दिन जायजा लिया है। और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत के लिए। पवन, आज काफी अहम दिन है भारतीय जनता पार्टी के लिए। पंचकुला में कार्यालय का शुभारंभ आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा, कौन कौन नेता इसमें शामिल होगा? जी बिल्कुल, आज केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चंडीगढ़ पंचकुला के दौरे पर हैं। दरअसल पंचकुला में हरियाणा भाजपा का जो पंच कमल के नाम से नया कार्यालय बना है उसका आज उद्घाटन होगा, लोकार्पण उसका किया जाएगा और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसका नए कार्यालय का लोकार्पण करने के लिए पंचकुला पहुंच रहे हैं। और इस समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल मौजूद रहेंगे। इसके साथ साथ हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, हरियाणा बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े, इसके साथ ही हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर समेत तमाम जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और जो विधायक हैं वो यहाँ मौजूद रहने वाले हैं। दरअसल काफी समय से पंचकुला में ये बीजेपी का हरियाणा का जो कार्यालय है बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन इसका विधिवत तौर पर उद्घाटन नहीं हो पाया था और इसी के चलते आज ये कार्यक्रम जो है वो उद्घाटन कार्यक्रम, लोकार्पण कार्यक्रम रखा गया है। दोपहर करीब 3 बजे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है वो यहाँ पहुंचेंगे और पंचकमल कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। जी पवन, बीते दिन जो प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ हैं उन्होंने भी जायजा लिया था इस कार्यक्रम को लेकर। अगर देखा जाए जिस तरह से राज्य दर राज्य भारतीय जनता पार्टी का विस्तार हो रहा है, अलग अलग राज्यों में सरकारें बीजेपी की बनी हुई हैं, इस लिहाज से देखा जाए तो जो रीजनल कार्यालय हैं वो काफी अहम हो जाते हैं। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर 2014 से पहले की अगर हम बात करें तो बीजेपी का जो प्रदेश का मुख्यालय है वो एक तरह से रोहतक का जो बीजेपी कार्यालय उसे ही माना जाता रहा है और तमाम रणनीतियां नीतियां वहीं से ही भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के संगठन की बनकर निकली है। लेकिन अब लगातार हरियाणा की ही अगर हम बात करें तो हरियाणा में बीजेपी ने एक रोहतक के अलावा एक और बहुत बड़ा कार्यालय गुरुग्राम में बनाया है जिसका नाम गुरु कमल जो है वो रखा गया है और उसका विधिवत उद्घाटन हो चुका है, लोकार्पण हो चुका है। उसके बाद प्रदेश स्तर का ही एक कार्यालय पंचकुला में बना है जिसका आज विधिवत तौर पर उद्घाटन लोकार्पण होने जा रहा है जिसका नाम आज वो पंच कमल रखा गया है। और इसी तरह से प्रदेश के तमाम जिलों में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यालय
हरियाणा के जो तमाम जिले हैं वहां पर भी बनाए हैं, कई जगह पर जो है वो जो जिला कार्यालय है वो बन चुके हैं, उद्घाटन हो चुका है, कई जगह पर निर्माण कार्य चल रहे हैं। तो ऐसे में साफ है कि 2014 के बाद जिस तरीके से पूरे देश भर में तमाम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है और जहां जहां भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में चाहे सत्ता में आई है या पूर्ण बहुमत के साथ अकेले अपने दम पर सत्ता में आई है, उसके बाद अलग अलग तरीके से जो पार्टी के संगठन को मजबूत करने का भी काम किया गया है। और इसी कड़ी में हरियाणा में भी अब रोहतक के बाद दो बड़े राज्य स्तरीय कार्यालय जो है वो गुरुग्राम में बना है पहला कार्यालय, और उसके बाद अब आज पंचकुला का जो कार्यालय है उसका विधिवत तौर पर उद्घाटन हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि संगठन के नजरिए से भी भारतीय जनता पार्टी जो वो लगातार अपने संगठन के लिए क्या क्या किस किस तरह से क्या क्या काम हो सकते हैं उस पर भी काम करती रही है। और इसी के काफी अहम आज इस लिहाज से भी हो जाता है क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शुभारंभ करने आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, जानकारी के लिए।